श्री कृष्ण राधे राधे श्री हरिदास। और आज हमारा लाला हमें लेकर आया है रावल, जो कि हमारी लाडली श्यामा की जन्मस्थली है। और हम ना वहीं मंदिर में जा रहे थे, 3:30 बजे पट खुलेंगे। और यहाँ पर ये 3 बिटिया आ गई है। इसका नाम है दिव्या, इसका नाम है हेमलता, नहीं उमा, इसका नाम है हेमलता। अच्छा, इसका नाम हेमलता, इसका नाम उमा। और इन्होंने हमसे कहा है कि हम ना आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पर लाडली जब छोटी थी तो झूला झूलती थी, और वहाँ पे राधा कृष्ण के दो पेड़ भी है जो राधा कृष्ण के ही नाम से प्रचलित है, मतलब माना जाता है कि वही राधा कृष्ण है। तो चलो, इन बिटियाओं के साथ ये हमें घुमा रही हैं, तो ये सब गोपिकाएं हैं। और भैया कोई भरोसा ना है, को कहा हुए, चलो चलो। इनका ढेंचू देखो। अब हमको ना, अभी हमको दर्शन करने दो। हाँ बाबू, इधर आओ। मेरी लाडली, आप लोग दर्शन करिए, अंधेरा है थोड़ा, देखो। अरे भैया, ये बगीचा है यहाँ का, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप सबको देखो, यहाँ दर्शन हो रहे हैं। और ये रावल में है, और ये रावल में ये बगीचा है जहाँ पे लाडली का ये झूला है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये है वो कुआं, आज आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आ जाओ, गंदी कर दो ये। वो कुआं है जहाँ पे ये बगीचा है पूरा। एक बार आप देख लो, दिखाओ, ये सारा देखो, ये सारा बगीचा है जहाँ पे ये लाडली का झूला, और यहाँ पे कुआं है जहाँ पे ये सारे गांव वाले जल लिया करते थे। और लाडली जी बहुत छोटी थी, उसके बाद वो बरसाना चले गए। उनका लालन पालन जो हुआ वो बरसाने में हुआ। अब इतना, अब ये तो डिपेंड करता है, अब तो यहाँ पे बस ये कुआं रह गया है, सिर्फ उनकी निशानियाँ हैं यहाँ पे। और बहुत सारा अनुभव उन्हीं भक्तों को हो सकता है जो इस चीज़ में डूब चुके हैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये जो बगीचा है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत शांति है यहाँ पर। एक और